हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑल द हंगर गेम्स मूवीज एंड मूवीज लाइक द हंगर गेम्स। ठीक है, अगर आप बैटल रॉयल कंसेप्ट के फैन हो, बैटल रॉयल है क्या सबसे पहले आपको समझाता हूँ। अगर आपने कभी जिंदगी में पबजी या फ्री फायर या कॉल ऑफ ड्यूटी जो ऑनलाइन खेला जाता है, इनमें से अगर कोई गेम आप खेल चुके होंगे तो आपको बैटल रॉयल की कंसेप्ट क्या है ये पता ही होगा कि एक स्पेसिफिक आइलैंड पे 50 से 100 लोग उतारे जाते हैं और उसमें से जो आखिर तक सर्वाइव करता है वो जीत जाता है। ये बैटल रॉयल की बेसिक कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट को अगर आप पसंद करते हो तो द हंगर गेम्स की मूवीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो हंगर गेम्स की मूवीज तो ज्यादा नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी वीडियो में उसी के साथ साथ एक नहीं दो नहीं बल्कि चार एक्स्ट्रा मूवीज भी मैं आपको बताऊंगा जो आप बैटल रॉयल फैंस होंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा देने वाली। तो द हंगर गेम्स की सबसे पहली मूवी आती है 2012 में आई हुई द हंगर गेम्स। अब देखिए इस मूवी की कंसेप्ट क्या होती है कि इसमें फ्यूचरिस्टिक थोड़ी दुनिया दिखाई गई है। एक पैनम नाम का देश है जिसमें 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उस 12 डिस्ट्रिक्ट्स में से कंपलसरी किसी दो लोगों को चुना जाता है, एक लड़का और एक लड़की। और ऐसे टोटल 12 राज्यों में से मतलब दो दो लड़का लड़की चूज करके टोटल 24 कंटेस्टेंट्स बन जाते हैं और इनको फिर एक जंगल में छोड़ा जाता है और मतलब एक पूरा ट्रैप वगैरह बिछाया जाता है और उसके बीच में इनको उन ट्रैप से भी बचना है और साथ ही साथ अपने जो राइवल्स है उनसे भी बचना है और एंड तक सर्वाइव करना है। अगर आप सर्वाइव किए तो आप जीत जाओगे। मतलब वही जो बैटल रॉयल की कंसेप्ट है वही इस फिल्म की बेसिक कंसेप्ट है। तो इसमें हमारी कहानी की जो मेन एक्ट्रेस है जेनिफर लॉरेंस और एक लड़का रहता है उसके डिस्ट्रिक्ट का, उन दोनों को वो बाकी सब कंटेस्टेंट्स के साथ लड़ना है। तो अभी यहाँ पे देखा जाए तो जो जेनिफर लॉरेंस के गाँव का जो दूसरा लड़का है उस इस लड़की से प्यार भी कर रहा है और उसको अभी अगर सर्वाइव करना है तो उसको जीतना भी है। तो एंड में क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके जो एक्शन सीक्वेंस और इसका जो बैटल रॉयल जिस तरीके से शूट किया गया है भाई, देख के मुझे बहुत ज्यादा मजा आया था। इसके बाद सेकेंड नंबर पे जो मूवी आई थी, इस मूवी का नाम था द हंगर गेम्स कैचिंग फायर। ये मूवी अब तक की सीरीज की जितनी भी मूवीज बनी है उसमें की सबसे जबरदस्त मूवी है भाई। हंगर गेम्स देखने के बाद मुझे ऐसा लगा था यार सेकंड मूवी में क्या ही देखने मिलेगा, यही चीज तो रिपीटेटिव देखने मिलेगी। लेकिन सच बता रहा हूँ, जब मैंने ये कैचिंग फायर मूवी देख के खत्म की ना भाई साहब, रोंगटे खड़े हो गए थे। ऐसे ऐसे सीन्स, ऐसे ऐसे ट्रैप्स और जिस तरीके से उनको टैकल करने को दिखाया गया ना भाई, देख के बहुत ज्यादा मजा आया था। और देखिए ये तो हंगर गेम्स की जो मूवीज है सारी वो नॉवेल्स के ऊपर आधारित है। एक्चुअली ये ट्रायोलॉजी थी, तो इन ट्रायोलॉजी के ऊपर के पहले दो बुक्स के ऊपर ये दो मूवीज बनाई गई थी। फिर जब इसकी तीसरी बुक आई थी उसके ऊपर इन्होंने क्या किया, दो पार्ट में इनकी मूवीज बनाई। तो उसका पहला पार्ट यानी थर्ड मूवी सीरीज की आती है द हंगर गेम्स मॉकिंग जे पार्ट वन। अब देखिए ये मूवी जो थी ये यहाँ पे हमको बैटल रॉयल की कैसे इनको स्टार्ट किया जाता है, कैसे लोग बैटल रॉयल में उतरते हैं वो सब देखने को मिलेगा और वहीं पे फिल्म जो है बीच में खत्म हो जाती है। और इसका मेन पार्ट जो है वो आपको इसके फोर्थ पार्ट में देखने को मिलेगा जिस पार्ट का नाम था द हंगर गेम्स मॉकिंग जे पार्ट टू, जो उसके तुरंत दूसरे साल आया था। हालांकि इस फिल्मों में जितने एक्शन और जो सब डाला गया ना वो जबरदस्त था, लेकिन कहीं पे ना वो जो दो पार्ट बनाने की इन लोगों ने गलती की ना, वहां पे कहीं पे आपको ऐसा फील आएगा ये फिल्म थोड़ी ना फर्स्ट और सेकंड के कंपैरिजन में थोड़ी ढीली साबित हो गई है। तो इसका जो एक इम्पैक्ट एंड में पड़ना चाहिए था वो उतना नहीं पड़ पाया और इसीलिए ये बॉक्स ऑफिस पे भी उतना दमदार कलेक्शन नहीं कर पाई जितना इस फिल्म से एक्सपेक्ट किया गया था। लेकिन ओवरऑल ये सागा आपको खत्म करना है तो उसके लिए आपको ये चारों पार्ट देखने पड़ेंगे। और इसके बाद यही साल में इसकी एक पांचवी मूवी आने वाली है जिस मूवी का नाम है द हंगर गेम्स द बैलर्ड ऑफ सॉन्ग बर्ड्स एंड स्नेक्स। अब देखिए ये जो मूवी है ना ये ओरिजिनल हंगर गेम्स का प्रीक्वल है। यहाँ पे आपने एक कैरेक्टर को देखा होगा कोरियोलेनस स्नो, या उसको शॉर्टकट में कोरियो कहा जाता है। ये कैरेक्टर हंगर गेम्स सीरीज का मेन विलन था। अभी ये मेन विलन कैसे बना, कैसे ये अपने लाइफ का पहले बैटल रॉयल खेला, ये आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। तो आपने अगर इस कैरेक्टर को ओरिजिनल हंगर गेम फिल्म सीरीज में अगर हेट किया होगा तो शायद आपको इस फिल्म में आपका पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा और ये फिल्म में हमें वो एज ए हीरो के तौर पे नजर आएगा तो शायद ये हमको पसंद आएगा। तो आगे क्या होता है क्या नहीं होता है तो जब फिल्म रिलीज होगी तभी हमको एग्जैक्ट पता चलेगा। ये फिल्म 17 नवंबर 2023 को रिलीज होने वाली है। अब देखिए हंगर गेम्स की सिर्फ ये पांच ही मूवीज है, तो इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना बैटल रॉयल कंसेप्ट पे और चार मूवीज मैंने ढूंढ के निकाली और उसके ऊपर आपको इस वीडियो में बताया जा रहा हूँ। देखिए ये जो फिल्म है ना जिसके बारे में मैं बताने जाने वाला हूँ ये थोड़ी हिस्टोरिकल टाइम पीरियड की फिल्म है, वैसा
पुराने टाइम में हुआ करता था, और वहीं से कहीं ना कहीं ये बैटल रॉयल की कंसेप्ट उठाई गई है, ऐसा पर्सनली मुझे फील होता है। तो इसलिए मैं ये फिल्म आपको देखना प्रेफर करूंगा। इस फिल्म का नाम है ग्लैडिएटर। अब ये फिल्म एक्शन पैक्ड है, इसके हीरो ने एक्टिंग भी जबरदस्त की है, और इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत क्या पता है, इस फिल्म को बेस्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर मिला है। भाई साहब जब ये फिल्म देखोगे ना, तो इस फिल्म के कई सारे ऐसे सीक्वेंस आएंगे जो आपके बदन पे रोंगटे खड़े कर देंगे, और स्पेसिफिकली इस फिल्म का एंड। और इस फिल्म में विलन के रोल पे जो एक्टर नजर आता है ना, उसकी भी एक्टिंग आप देखोगे ना बहुत ज्यादा आपको पसंद आएगी, क्योंकि उसी बंदे ने 2019 में आई जोकर फिल्म में जोकर का रोल प्ले किया है, जिसका नाम है जॉकविन फिनिक्स। तो इस फिल्म की जो कहानी है वो आपको कई दफा इमोशनल करने का काम करेगी, कई दफा आपके अंदर एक रिच पैदा करने का काम करेगी, और एंड में आपको एक सेटिस्फेक्शन देने का भी काम करेगी। अभी इसके बाद आते हैं सातवें नंबर की मूवी, बैटल रॉयल। देखिए ये पहली मूवी है जिसने इस कंसेप्ट को बहुत ज्यादा वाइड रिकॉग्निशन दे दी। मतलब बैटल रॉयल एक जापानीज मूवी है, इसके बावजूद कई सारे हॉलीवुड डायरेक्टर्स ने इस मूवीज को देखा और इतनी ज्यादा तारीफ की कि भाई ये मूवी वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गई, और इस कंसेप्ट को उठा के फिर ये सारे जो गेम्स है, पबजी बोलो, फ्री फायर बोलो, ये बनाए गए और वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए, और पिछले 4 सालों में कितने पॉपुलर हुए मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी ओरिजिन इस फिल्म से हुई थी, और भाई साहब इस फिल्म के जो एक्शन सीन्स है ना वो इतने खतरनाक है, दिमाग को हिला देने वाले है ना, मैं पता नहीं सकता। अब देख लीजिए, इसमें एक स्कूल के बच्चों को बस में बिठा के लेके जाया जाता है, उनको नहीं पता होता है उनको कहाँ लेके जाया जा रहा है, और अचानक से उनको बोला जाता है कि आपको ऐसी ऐसी कंपटीशन में कूदना है, और वहां से आप बच गए तो आप जीत जाओगे। तो भाई साहब जब वो उनके ऊपर आके पड़ता है, तो कैसे कैसे वो कैरेक्टर्स चेंज होते हैं, कैसे कैसे उनसे अंदर की शैतानियत बाहर आती है, भाई वो देख के ना आप दंग रह जाओगे। तो जरूर से ये मूवी आप देख लेना, ये आपको शायद पॉसिबिलिटी है इंग्लिश में या किसी में नहीं देखने मिलेगी, ये सिर्फ जापानीज लैंग्वेज में देखने मिलेगी, लेकिन विद इंग्लिश सबटाइटल्स आप जरूर से इसको देखने की कोशिश करना। इसके बाद आठवें नंबर की मूवी आती है द कंडेम्ड। अगर आप WWF फैन होंगे 90s के टाइम पे, तो आपने एक WWF प्लेयर को देखा होगा जिसका नाम है स्टोन कोल्ड। मतलब उसका एक्चुअल नाम कुछ अलग था, स्टीव ऑस्टिन या ऐसा कुछ था, लेकिन ये स्टोन कोल्ड के नाम से, जैसे ड्वेन जॉनसन द रॉक के नाम से उस वक्त पॉपुलर था, तो उसी के टाइम पे ये स्टोन कोल्ड के नाम से पॉपुलर था, और उसकी ये फिल्म थी करके मैं देखने गया। मुझे पर्सनली इसकी कंसेप्ट क्या ये पता नहीं थी, और इसमें कुछ ऐसा दिखाया गया है कि एक बंदा जो है वो कई सारे हार्डकोर क्रिमिनल्स को जेल से छुड़वाता है और एक जंगल में छोड़ता है, और सेम चीज देती है, जो जीतेगा उसको आजादी मिलेगी, और उसके बाद क्या क्या होता है वो तो आपको बैटल रॉयल कंसेप्ट में पता ही है। तो अब ये फिल्म देखिए, लेकिन ये भी वन ऑफ द बेस्ट मुझे बैटल रॉयल मूवी लगी। अब इसके बाद में 9वें नंबर पे जो बताने जा रहा हूँ, ये कोई मूवी नहीं है बल्कि ये एक सीरीज है, और इस सीरीज का नाम है स्क्विड गेम। अगर आप वेब सीरीज फैन हो और आपने स्क्विड गेम के बारे में नहीं सुना होगा, ऐसा शायद ही पॉसिबल है। और देखिए, अगर आप सीरीज के फैन नहीं भी हो तो भी आपने स्क्विड गेम का नाम सुना ही होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि इस सीरीज में बच्चों के गेम्स को इस किस्म बनाया गया है कि वहां पे अगर आप हार जाओगे तो आपकी जान चली जाएगी। तो कई सारे लोगों को अपने नॉस्टैल्जिक टाइम याद आता है ये सीरीज देखते वक्त, और उसको जिस तरीके से क्रूएल करके बनाया गया ना भाई, देख के सही में कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इस सीरीज में कई सारे एडल्ट सीन्स है, तो मैं आपको पहले ही बताना चाहूंगा कि ये सीरीज को फैमिली के साथ देखने की कोई गलती कतई मत करना, और शायद पॉसिबिलिटी है इसका आगे सीक्वल आने वाला है तो उसके पहले आप ये देख ही लो, और पता नहीं शायद यही हीरो उसमें कंटिन्यू रहेगा कि क्या होएगा, लेकिन सच बता रहा हूँ इस सीरीज के कई सारे सीन्स खतरनाक थे, और इस सीरीज का जो एंड आता है ना भाई, एंड का पार्ट देख के आपको जो ट्विस्ट सामने आता है ना, वो देख के आप दंग रह जाओगे। आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि इस किस्म का कुछ एंड आपको देखने को मिलेगा, और उस किस्म का एंड इसमें देखने को मिलता है। तो सही मायने में ये सीरीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। बहुत सारे लोग कमेंट में लिखेंगे कि भाई आपने एलाइस इन बॉर्डरलैंड क्यों नहीं डाली जब आप सुसाइड स्क्वाड की बात कर रहे हो, क्योंकि देखिए एलाइस इन बॉर्डरलैंड बाकी सीरीज तो बैटल रॉयल टाइप थोड़ी बहुत थी, 100% नहीं बोल सकते, बट ये पूरी एक साइंस फिक्शन चीज थी, और इसका एंड जिस तरीके से किया गया है उसकी वजह से मुझे नहीं लगता है कि इस वीडियो में डालना चाहिए। आपकी मर्जी, अगर आपको देखनी है तो आप एलाइस इन बॉर्डरलैंड भी देख सकते हो। तो बस यही रही हमारी आज की द हंगर गेम्स एंड द मूवीज लाइक हंगर गेम्स की वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम चैनल सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं और एक ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।